दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और धाकड़ अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा आप सभी को पता है कि जो है अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं और खास करके अपनी ही पार्टी बीजेपी के लिए किरकिरी बनकर के बैठे हैं। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार फिर से बीजेपी के ऊपर हमला बोला है और कांग्रेस को भी उन्होंने एक सलाह दे दी है। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस को कहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी से अलग हुए दलों को कहा है कि उनको फिर से जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, यानी कि इसकी सलाह भी दी है। और उन्होंने एक और बयान दिया है कि ममता बनर्जी को एकजुट कांग्रेस की अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत की है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है ममता बनर्जी को बना देना चाहिए। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट के जरिए बयान दिया कि बीजेपी अगर एक अकेली पार्टी हमारे देश में रह जाएगी तो हमारे देश का लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात दोस्तों कही है सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी और सबसे दिग्गज पार्टी अगर इस देश में बीजेपी ही रहेगी तो हमारे देश का लोकतंत्र यानी कि कमज़ोर पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ा इशारा जो कि सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं शुक्रवार सुबह जो है स्वामी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से कहा, गोवा और कश्मीर का हाल देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ही अगर एक अकेली पार्टी रह जाएगी इससे देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। इसका समाधान क्या है? इटालियन और उसके बच्चों को चले जाने के लिए कहिए। ममता यूनाइटेड कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कहा जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को भी इसी राह पर चलना चाहिए और शामिल होना चाहिए कांग्रेस में। ये जो है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कहा जा रहा है। और आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इन बातों से जो है यानी कि साफ साफ इशारा है, यानी कि बीजेपी में भी लोगों को और नेताओं को ये पता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कर्नाटक और गोवा में जिस तरह से बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के विधायक और एमएलए को तोड़ा है, उससे ये साफ है कि हमारे देश के यानी कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम बीजेपी कर रही है। जिसको लेकर के अपने बेबाक बोल से पहचानने वाले नेता और अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार बयान दिया है और बीजेपी को फिर से यानी कि अपने बयानों से विवाद में ला करके फंसा दिया है। दोस्तों इसके ऊपर अगर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।